कुछ ऐसे मुद्दे भी सर के साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूरे नेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर बी आर मनी सर। सर के नाम से नेशनल म्यूजियम भी है, आप लोग कभी सर्च करिएगा। सर का जो छात्र जीवन है वो इस पेड़ के नीचे गुजरा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको लास्ट तक देखो और खुद समझोगे कि कितना मज़ेदार टॉक होने वाला है। यहीं से मैंने बीए एमए और पीएचडी यहीं से किया और 2 साल यहाँ पढ़ा। तो बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारी बातें इस इन बिल्डिंग्स के साथ, यहाँ के टीचर्स के साथ और यहाँ के हर पूरे वातावरण के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। आपका बीएचयू का छात्र जीवन में सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस उस समय का क्या रहा जब आप छात्र थे बीएचयू में? और मज़ेदार बात ये थी कि 21-22 साल की एज में मैं टीचर हो गया था। ओनली 21-20। जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस समय मैं यहाँ क्रिकेट टीम में भी था। उस समय मुश्ताक अली जो तभी इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके थे, उन्होंने हम लोगों को 1 महीने तक ट्रेनिंग दिया था यहीं पीछे जो बड़ा वाला ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा सारा समय तो इसी में बीत जाता था मनोरंजन के लिए और कोई खास इतना नहीं। यही मेन मनोरंजन है सर, मुझे अभी के जो मनोरंजन है वो सही नहीं है। अब सर आपका जो एक पहचान राष्ट्रीय लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा बना हुआ है राम मंदिर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, इसको नकारा नहीं। अच्छा सर एक और अभी बनारस में है तो क्या ज्ञानमापी पे कुछ बोलना चाहेंगे? अब फैसला जो वो तो आर्गुमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से एविडेंस देते हुए लोग प्रूव करते हैं और ज्ञानमापी का तो मामला बिल्कुल क्लियर है।